हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग बीस चैनल। और आज के इस गेम प्ले वीडियो में मैं लाया हूँ फ्री फायर मैक्स का गेम प्ले। और भाई, सबसे पहले तो तुम देख लो भाई, तुम्हारे भाई BST0072 का नाम एलीट पास हॉल ऑफ फेम में सबसे नंबर वन पे आया था, जैसे कि तुम देख सकते थे। और भाई, अब मैं मैच शुरू होने के इंतज़ार में हूँ। मैंने भाई अल्पाइन चूज़ किया मैप यहाँ पर। वैसे मेरा फेवरेट जो मैप है वो बर्मूडा है, लेकिन इस वाले में मैंने रैंक मैच खेला है यहाँ पर और अल्पाइन चूज़ किया हुआ है। और भाई, तुम स्क्रीन के लेफ़्ट में डाउन कॉर्नर में देख सकते हो कि भाई तुम्हारे भाई का नाम था। और मैं भाई अब यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ कि मैं मिलीटा पे उतरूँगा, क्योंकि भाई मिलीटा पे सबसे ज़्यादा लूट पाई जाती है ऐसा मैंने सुना है। और मुझे अभी जो नाम से अभी समझ में आ रहा है वो मिलीटा, भाई ऐसा लग रहा है मिलिट्री वाला एरिया, तो वहाँ पर लूट मिलेगी मिलेगी। तो भाई, मैं मिलीटा पर जल्दी से उतरता हूँ। और मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है मैंने, ताकि मैं जल्दी से उतरूँ। और जितना भी मैं सोच रहा था कि छत पर उतरूँगा तो छत पर ज़्यादा लूट मिलेगी, लेकिन छत एकदम खाली थी। तो फिर मैं नीचे उतरा और मैंने देखा कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिर आगे जाके मुझे एक टूटी सी दीवार में एक छोटी सी जगह मिली और वहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ पे गया। तो मैंने देखा कि सबसे पहले एक लेवल वन की वेस्ट और एक बैग पड़ा हुआ था लेवल वन का, और उसके बाद एक AN-94 स्नाइपर भी, स्नाइपर जैसी बंदूक थी। अभी मैं इतना नहीं जानता बंदूकों के बारे में, धीरे धीरे खेलूँगा तो पता लगती रहेगी। उसके बाद मुझे फोर ग्रिप मिली, जिससे कि मेरी ये वाली वेपन अपग्रेड होती रही। और उसके बाद एक लेवल वन की वेस्ट पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने ऑलरेडी ले रखी थी तो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दी। उसके बाद मुझे एक एनिमी दिखा सामने की तरफ। उस एनिमी भी मेरे तरह लूट मचा रहा, लूट ले रहा था, पर मैंने उसे मार दिया एकदम। देन भाई, उसके बाद मैंने उसको मार के उसका जो सामान था वो मैंने देखा, पर उसके पास कुछ खास सामान नहीं था। उसके बाद मुझे एक हेलमेट मिल गया लेवल टू का, तो मैंने वो हेलमेट ले लिया ताकि मेरी सुरक्षा हो सके कुछ। और देन आगे जाके मुझे कुछ और वेपन्स मिले, और उसमें से एक MP5 मिली जो मैंने उठा ली भाई। और आगे जाने के बाद कुछ यहाँ से मैं निकला और मैं जब एक थर्मल स्कोप मैंने अपनी वेपन में लगा लिया ताकि दूर से भी मुझे दिख सके बंदे। तो फिर इस जगह मैं फिर ये वाली जगह छोड़ के चला गया था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लूट का सामान नहीं था। फिर मैं कुछ आगे चला तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक कार 98 पड़ी हुई है, लेकिन कार 98 मैंने भाई ली नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो एमओ है जो तुम देख सकते हो बस 10 ही गोलियाँ हैं, 10 और 15 गोलियों के बीच ही है इसकी अंदर की गोलियाँ। लेकिन इसलिए मैंने अपनी दोबारा AN-94 उठा ली और कार 98 छोड़ दी। भाई वैसे मेरी स्नाइपर जो फेवरेट है इस गेम के अंदर वो है AN-94। भाई तुम अपनी स्नाइपर बताओ कौन सी फेवरेट है और उसे कमेंट सेक्शन में लिखो। भाई मेरी फेवरेट स्नाइपर तो AN-94 है और AWM है भाई, मेरी जो फेवरेट स्नाइपर है वो AWM है। तुम अपनी बताना भाई कमेंट सेक्शन में लिख के कि तुम्हारी स्नाइपर कौन सी फेवरेट है, और जो अपनी फेवरेट गन बताना SMG में, मेरी तो भाई MP40 है। और तुम अपनी बताओ यार कौन सी है तुम्हारी फेवरेट गन। और आगे जाने के बाद भाई कुछ यहाँ पे सामान वामान मैंने थोड़ा सा लूटा और दूसरी जगह से भी लूटा। अब भाई मुझे एनिमीज़ नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे चला तो एनिमीज़ अब भी नहीं मिले। एक ही किल था मेरा जो मैंने शुरू में किया था, अभी भी 42 बंदे अलाइव थे। और मैंने यहाँ पे देखा तो थोड़ा बहुत सामान मिला हुआ था, थोड़ी मेडिकिट मिली हुई थी, थोड़ी सी मेरी हेल्थ कम हो गई थी, ऊपर से मैंने छलांग लगा दी थी उससे वजह से थोड़ी मेरी जो हेल्थ है वो कम हो गई थी। आगे जाने के बाद मुझे एक बंदा दिखा, तो मैंने उसको अपने जो स्नाइपर है AN-94 है उस वाली बंदूक से मारने की कोशिश करी, पर रेंज उसकी कम थी तो मैं थोड़ा और आगे चला गया। और फिर मैंने उसके भाई भर दिया गोली भर दी उसके, लेकिन वो छुप गया। फिर बाद में वो दोबारा वापस से अपने वो कवर से बाहर आ गया, फिर मैंने उसको भाई डबल किल मेरे पूरे किए और मैंने उस बंदे को मार दिया। उसके पास मैं गया तो मैंने देखा कि उसके पास लूट का थोड़ा बहुत ही सामान था, लेकिन जो उसके पास लूट का सामान था उससे भाई मेरे वेपन्स अपग्रेड हो गए पूरी तरीके से। और एक मैं यहाँ से फिर निकला और आगे जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे भी एनिमीज़ थे नहीं, तो मैं भाई एनिमीज़ के लिए गया था भाई यहाँ पे, और मुझे किल्स चाहिए थे। तो देखते हैं भाई आगे किल्स मिलते हैं या नहीं मिलते। तो भाई यहाँ पे तो किल्स मिल नहीं रहते, और तुम भाई देख सकते हो कि जैसे कि जो सेफ जोन है भाई वो धीरे धीरे श्रिंक होता जाने वाला था, सेफ जोन श्रिंक इन 3 सेकेंड। तो भाई वो ऊपर वार्निंग लिखी आ रही थी, तो मैं भाई एक कार मुझे मिली थी तो कार से फिर मैंने चूज़ किया कि मैं अब सेफ जोन के सेंटर में जाऊँगा और वहाँ पर जाके बैठ जाऊँगा, क्योंकि जो जितने भी बंदे आने वाले हैं वो सेफ जोन के अंदर आएंगे और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किल्स मिलेंगे। तो भाई अब जो इंटेंस मूवमेंट है गेम के वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि भाई अब एनिमीज़ आने वाले हैं। और अभी मैंने लूट वूट सब ले ली है, तो भाई एनिमीज़ के पास चलना था और उनको मारना था। तो अब भाई अब आगे जाते हैं, और मुझे कुछ गन शॉट्स की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दी, तो एक बंदा सामने से आ रहा था
और उस सामने से वाले बंदे को मैंने फिर भाई अपने थर्मल स्कोप से लेके मारा और बिना स्कोप के भी थर्मल स्कोप से मारा। एंड देन उसके पास मैं भागा भागा गया और अपने ट्रिपल किल पूरे किए मैंने और फिर रिलोड मार दी बंदूक और एक और बंदा मुझे दिखाई दिया तो मैंने भी उसको भाई एक पूरी तरीके से दूर से मारा भाई एकदम अपनी 94 से। और दूसरी बंदूक थी जो मेरी उस वाली को मैंने रिलोड किया क्योंकि भाई एकदम से आगे कोई धप्पा ना कर दे, इसलिए भाई मैंने उसको रिलोड कर लिया। और भाई जो एक बंदा और भागा भागा आ रहा था जिसकी वजह से मेरे पूरे 5 किल हो गए उस बंदे को मारने के बाद। एंड देन अब आगे जाने के बाद भाई मैं सोचा कि सर्कल के सेंटर में तो आ चुके हैं तो भाई अब बंदे ही बंदे आएंगे, तो मैं सबसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझे एक अच्छा सा व्यू मिल जाए। और उसके लिए भाई मैं ऊपर जाने वाला था कि मुझे एक दो बंदों की और गनशॉट्स की आवाज़ आई थी तो मैं भाई उन्हें ढूंढ रहा था पर वो मिले नहीं मुझे। तो आगे जाने के बाद यहाँ पे एक सोलर पैनल जैसा कुछ लग रहा था, ऊपर जाने पे मैंने देखा तो यहाँ पे कई सारे सोलर पैनल लगे हुए थे तो बंदे यहाँ पे छुप सकते थे, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे पूरा एरिया जांच लिया कि भाई यहाँ पे कोई बंदा वंदा छुपा तो नहीं है, कभी एकदम से आके धप्पा कर दे और मार मूर दे। एक बंदा मुझे यहाँ दिखा, मैंने अपने थर्मल स्कोप से लेके भाई उसको मार दिया और अपने पूरे लेजेंडरी 6 किल पूरे कर दिए मैंने। और अब एक बंदा और जिसकी वजह से जिसकी भी फाइट ले रहा था जिस बंदे से, उसको भी मैंने मारने की कोशिश करी पर वो मुझे मिला नहीं बंदा, तो इसलिए मैं पीछे आ गया कभी वो मेरे से व्यू लेके मेरे ही मार दे। तो भाई मैं यहाँ पे छुपा रहा थोड़ी देर के लिए। अब वो बंदा था जो दूसरा, उसको मैं देख रहा था अपने स्कोप से, तभी भाई पीछे से एक बंदा आया जैसे कि तुम देख सकते हो आगे से, वैसे एक ये बंदा था इसको भी मैंने मार दिया। अब जो बंदा दूसरा फाइट ले रहा था ये पता नहीं कहाँ चला गया एकदम ही। और भाई अब तुम पीछे से देख सकते हो कि गोली पड़ती है और भाई ये बंदा जो पहले वाले से फाइट ले रहा था वो इतनी पास आ गया लेकिन मैंने उसको भी मार दिया भाई। भाई अब इस जगह पे ये सर्कल बहुत छोटा हो गया लेकिन अब ये इंटेंस मोमेंट आ चुके हैं भाई। अब पूरी वीडियो को भाई एंड तक देखना। और भाई अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हर जगह से गन शॉट्स आ रहे हैं, अब फायरिंग हर जगह से हो रही है तो तुम देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आगे जा रहा था कि भाई पीछे से गोलियाँ पड़नी चालू हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था बंदा कहाँ से आ रहा है। एक तो इतने सारे सोलर पैनल थे तो भाई बंदे छुप रहे थे एकदम, तो भाई एक ये बंदा सामने से आया भाई उसके मैंने भर दिया फिर एकदम। जैसे ही मुझे इसका व्यू मिला भाई मैंने फिर से छोड़ा नहीं और मारते मारते चला गया भाई इसको। एंड देन भाई लेफ्ट और राइट में हर जगह देखने लगा पर मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई थी क्योंकि भाई बंदे छुप छुप के मार रहे थे मुझे। फिर ये बंदा मुझे मिला, मैंने इसके भी भर दिया भाई, हेडशॉट मारने की कोशिश करी पर हेडशॉट लग नहीं पाया क्योंकि बंदा एक जगह नहीं खड़ा था, बहुत हिल रहा था एकदम। फिर मैंने भाई प्रॉन करके भाई पूरी अपनी हेल्थ रिकवर करी फर्स्ट एड लगा के, भाई 3 डिब्बे फर्स्ट एड के भाई 3 डिब्बे ख़त्म कर दिए। और तुम देख सकते हो भाई यार कितना बुरा डैमेज हुआ होगा। अब भाई ये आखिरी के पल थे तो मेरे 10 किल तो भी पूरे हो चुके थे तो फिर मैं अब और किल्स लेने गया था। और तुम मैप में देख सकते हो भाई कितने बंदे आएंगे, अभी तुम्हें दिखाता हूँ यार कितने बंदे हैं इस वाले सर्कल में, इतनी सी छोटी से एरिया में कितने बंदे हैं। ये बंदे वैसे एक दूसरे से भी फाइट ले रहे थे तो धीरे धीरे खुद भी ख़त्म हो रहे थे लेकिन मैंने भी भाई ने बहुत मारा। तुम देख सकते हो और कितने सारे बंदे थे और मैं कहाँ था। तो भाई मैंने सोचा कि भाई एकदम इनसे फाइट लेना, ओपन भाई खतरे से खाली नहीं है, तो भाई मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि आपस में भी थोड़े किल विल हो जाएं और बाद में मैं आगे जाने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इन्हें भी मारने की कोशिश करी कि पीछे से एक मैंने देखा कि बंदा आने वाला है भाई, उस बंदे को मैंने भर दिए उसके अंदर भाई, मैंने अपनी जो SMG थी भाई वो पूरी मार दी। और पीछे से मैंने देखा कि पीछे से और भी गोलियां वाले आ गए हैं और वो गोलियां चला रहे हैं, देखिए कितने सारे 3-3 बंदे थे आगे। तो पहले मैं उस वाले बंदे के पास गया जो भाई ये छुप रह के बैठा था क्योंकि भाई छुप छुप के बहुत मार रहे थे पीछे से। और भाई आगे जाने के बाद मैंने देखा कि ये बंदा भाई देखो भागा भागा जा रहा है, इसके पीछे हम भागे। एंड देन देख सकते हो भाई ये कितनी तेज़ भगा हुआ जा रहा था और मैं ये ऊपर चढ़ गया, पता नहीं क्या सोच के ऊपर चढ़ा। और ये जो बंदा ये आपस में फ़ाइट ले रहे थे दोनों को ही मैंने मार दिया। अब ये पीछे से आया बंदा और भाई ये ख़त्म। अब भाई आखिरी के पल थे, अब ये 2 बंदे बचे थे, एक मैं और एक दूसरा एनिमी, हम दोनों ही बचे थे। तो भाई अब ये आखिरी के पल हैं, जैसे देख सकते हो भाई 2 ही बंदे अलाइव हैं और 14 किल मैंने कर दिए हैं। तो भाई आगे मैं जैसे ही बढ़ा कोई भाई आखिरी बंदा मुझे दिखा और मैंने पूरे अपने बूया करा 15 किल्स का भाई। तो भाई एकदम बढ़िया मैच था मेरे लिए और मेरी जो रैंक है इसमें अपग्रेड तो नहीं हुई, सिल्वर 1 पे ही हूँ। लेकिन भाई अगला मैच खेलते मेरी रैंक अपग्रेड हो जाएगी, इतना सारा हो गया देख सकते हो भाई, सिल्वर पे ही हूँ अभी भी मैं। और लेकिन जो मेरी रैंक थी वो कमी अब थोड़ी सी रह गई सिल्वर 2 पे आने से। तो भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कर देना, अगर तुम आखिर तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैं लाइव स्ट्रीम लाने वाला हूँ भाई इन्हीं गेम्स की और
जो जो बंदे सब्सक्राइबर होंगे केवल वही लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकेंगे और मेरे साथ स्क्वाड बना के खेल सकेंगे। तो तुम देख सकते हो 15 किल करें मैंने, डैमेज 2039 का कराया, सर्वाइवल टाइम 12 मिनट 41 सेकंड का था। सो बाय गाइस, यही था इस वीडियो के अंदर।